कि जब मेडिटेशन करते हैं तो अजीब अजीब ख्याल आते हैं। अब एक स्त्री जा रही है, वुमन, खूबसूरत सी, जिसमें तुम बहुत ज्यादा ध्यान लगा देते हो ना, वो चीजें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं। तभी तो मैं तुमसे कहता हूं बीएफ मत देखना कभी। मैं क्यों ये बात बार बार कहता हूं, दिस आई एम सेइंग वेरी सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। बीएफ ब्लू फिल्में मत देखना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी भिगमंगे हो जाओगे। वन बाय वन एकदम स्टैचू बन जाओ, डीप कंसेंट्रेशन में चले जाओ एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट। जय हिंद फ्रेंड्स। वन बाय वन एकदम स्टैचू बन जाओ, डीप कंसेंट्रेशन में चले जाओ एकदम, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई कुछ लिखेगा नहीं, रुको यार, मैं आ रहा हूं अजीब अजीब के ख्याल पे आ रहा हूं, उसी पे तो बोलना है आज, अजीब अजीब ख्याल पे। ये सब तो मजाक में पढ़ा दिए। तुम लोग की बड़ी अजीब आदत है यार, दुल्हन सामने खड़ी है और तुम कह रहे हो कि यार मेरा रसगुल्ला डिब्बा जो है गाड़ी में छूट गया। अरे पहले दुल्हन को हाथ पकड़ के ले जाओ घर में यार। अरे तुम लोग को नहीं कह रहे यार, यहां दो लोग बैठे हुए थे उनसे कह रहा हूं। हाँ बता रहे कि जब मेडिटेशन करते हैं तो अजीब अजीब ख्याल आते हैं। ये ज्यादा जरूरी है, कुछ लिखो मत, जस्ट वेट, ऑल ऑफ यू वेट फॉर 5 मिनट्स, कुछ लिखो मत, बिकॉज ये पढ़ाने से ज्यादा, वो तो मैं ना पढ़ाऊं तो भी चलेगा। If I don't teach all these things, then also they are written in the books. ये ज्यादा जरूरी है, रुको। मेडिटेशन है ना, अजीब अजीब ख्याल। अब तुमने यू आर यूथ अनएम्प्लॉयड, नहीं मैं आ रहा हूं अभी, कोई कुछ लिखेगा नहीं, यूथ अनएम्प्लॉयड इन अ कंट्री ऑफ सूडो पीपल, अब एक स्त्री जा रही है, वुमन, खूबसूरत सी, इंसान की हमेशा से कमजोरी रही, आज कोई नई बात थोड़ी है। मुझसे तो बहुत लोग कहते हैं कि यार हम तो भैया स्त्री के पीछे भागते ही नहीं, क्या बहुत अच्छा, मत भागो, संत शकल से लग नहीं रहो। अब हिजड़े भी नहीं भागते, भागने के लिए कौन कह रहा है, वुमन को डिफाई करना, नॉट पॉसिबल, हाई नहीं सर, हाई नहीं। एंड द डे अ पर्सन डिफाइज, दैट इज वाई मेजॉरिटी मेल इन इंडिया आर वेरी आइडियल इन फ्रंट ऑफ वुमन, वेरी आइडियल। औरतें समझ जाती कि बेवकूफ है, पागल है। यू शुड रिस्पेक्ट वुमेन, इफ यू कैन नॉट रिस्पेक्ट वुमेन यू डोंट हैव द राइट टू कॉल योरसेल्फ एज अ मेल। You have to respect women. But there is no need to be ideal in front of women. कि मैं ये नहीं करता, मैं दारू नहीं पीता, मैं भाई साहब पान नहीं खाता। हाँ नहीं खाते हो, अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी है, पर बनने की जरूरत नहीं है। आइडियल मत बनो, आइडियल मत बनो, ताकतवर बनो, रिस्पेक्ट करो औरतों की। इफ यू कैन नॉट रिस्पेक्ट वुमन यू डोंट हैव द राइट एंड एलिजिबिलिटी टू बी कॉल्ड एज अ मेल, देन फिर तो मैं आपकी सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, एकदम नहीं करूंगा। पर आइडियल मत बनो यार, किसको दिखा रहे हो, That gives a message. Ideal मत बनो, फालतू में ड्रामेबाजी मत करो। सुनो, अब तुम क्या करते हो, तुम्हें ये सब ड्रामेबाजी सिखाई गई। अब तुमने एक खूबसूरत सी औरत देखी तो उसे प्यार, देखो ट्रकों के पीछे एक बड़ी प्यारी फिलॉसफी लिखी, देखो मगर प्यार से। अब तुम प्यार से देख ही नहीं पाए उसको, देख के ही सारी कहानी यहां बना ली है, यहां अब वो सेव हो गई अंदर।
दिन भर में तुम 100 का, तभी तो मैं तुमसे कहता हूं बीएफ मत देखना कभी। मैं क्यों ये बात बार बार कहता हूं, एनीथिंग इन विच यू गेट डीपली इन्वॉल्व इट गोज एंड सेट्स इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। दिस आई एम सेइंग वेरी सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग। बीएफ ब्लू फिल्में मत देखना, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी भिखमंगे हो जाओगे। बिकॉज इन एनीथिंग विच यू गेट इन्वॉल्व, जिसमें तुम बहुत ज्यादा ध्यान लगा देते हो ना, वो चीजें तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं। एंड व्हेन यू सिट फॉर मेडिटेशन, तब वो तुम्हें वहां पे हॉन्ट करती है, क्योंकि वो पड़ी हुई है तहखाने में। और ध्यान में तुम क्या करते हो, अपने अंदर जाते हो, तो यू एंटर इनटू दैट तहखाना, बस वहां वो चीजें तुम्हें मिलती हैं। आती नहीं है, वो सेव्ड है, और सिर्फ तुम्हारी गलती से। This is the blunder you do. तुम देखो जो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आते हैं, सेव्ड हो जाते हैं जिंदगी भर। जो सीन तुम्हें मूवी में अच्छी लगती है, जिंदगी भर याद रहती है। कैसे? It goes into your subconscious mind. It's a reservoir of extreme potential. Sex is always a fascination. Always. इंसान अगर उससे ऊपर पहुंच गया, फिर तो कुछ बचा ही नहीं दुनिया में। उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं जो उसे मतलब परेशान कर सके। द ओनली प्रोसेस सेक्स इज द ओनली दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट प्रोसेस, द ओनली प्रोसेस वेयर ऑल द सेंसेस कंप्लीटली गेट इन्वॉल्व्ड एंड द माइंड रन्स नोवेयर। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट प्रोसेस। कुछ करना ही नहीं कंसेंट्रेट होने के लिए। लोग मेरे पास आते कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता। नहीं लगेगा, उससे ऊपर पहुंचने का दो ही रास्ता है, या तो बुद्ध की तरह एक्सट्रीमली भोग लो और या जाग जाओ, और तीसरा कोई रास्ता ही नहीं है। सिगमंड फ्रॉयड पहले रास्ता फॉलो कर रहा है, बुद्ध ओवरकम कर लिए, एक्सट्रीमली भोग लिए, इसलिए तो दिस कॉमन मैन आम आदमी को क्यों उलझाए रखा है। एक्स्ट्रा मार्शल वेरी बैड। दो ही रास्ते हैं, या तो जाग जाओ, अवेकेंड हो जाओ, तुम्हारी सांसें तुम्हारी पकड़ में आ जाए तो आंख शांत हो जाएगी, और या तो बुद्ध की तरह एक्सट्रीमली भोग लो। ध्यान मतलब गोइंग इनसाइड। तो व्हेन यू गो इनसाइड, यू पास थ्रू दैट गोडाउन जिसमें तुमने चीजों को सेव कर रखा है, उन्हें निकलने दो। जब समुद्र मंथन होगा ना, जब तुम ध्यान करोगे तो पहले क्या निकलेगा, विष निकलेगा। वो जो तुम कह रहे हो अजीब अजीब ख्याल निकल रहे हैं, वो विष निकल रहा है। उसको भागो मत, बस देखते जाओ, निकलने दो उसे। एक बार पूरा खाली हो जाएगा गोडाउन तुम्हारा, फिर मजा आएगा, फिर बहुत मजा आएगा। फिर तो इतना मजा आएगा ना, हिंदुस्तान पर कब्जा कर लोगे तुम। मोदी जी पागल है, किसी के साथ नहीं उठते बैठते, किसी के साथ, किसी से कोई फालतू बात नहीं करते, दो दो घंटे ध्यान करते हैं, दो दो घंटे करते होंगे। वही एक चीज है जिसने उन्हें इतनी ऊंचाई में पहुंचाई है, मेडिटेशन। आई नो इट वेरी वेल। कोई कितना भी चिल्लाए, राहुल गांधी देखो इतना बढ़िया पढ़ के आए हैं, लंदन, अमेरिका, कहां कहां से, अखिलेश जी पढ़कर आए हैं, बाहर से पढ़कर आए हैं, चिराग पासवान पढ़कर आए हैं, सब पढ़कर आए हैं, लेकिन उस मेडिटेटिव आदमी के आगे फेल है। वो चाहे अच्छा करे या बुरा करे, बट उस मेडिटेटिव आदमी के आगे फेल है। वो बंदा स्कूल गया नहीं गया, दैट इज नॉट माई पॉइंट। पर दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में इतनी औकात नहीं है कि कबीर जैसा टैलेंट पैदा कर दे। वो मेडिटेशन की देन है। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से टू यू, रिपीटेडली से टू यू, आई जॉइन हैंड टू यू कि योगा और मेडिटेशन शुरू करो, घबराओ मत, डरो मत, ये सब होने दो, कोई बात नहीं। वो सेव्ड चीजें हैं, वो तुमने कभी ना कभी सेव कर रखी, समाज ने तुम्हें सिखाया है। हमारे देश के लड़के देखो पढ़े हुए, रुद्रेश सिंह बघेल, डरने की कोई बात नहीं, देयर इज नथिंग टू फियर, कोई जरूरत नहीं। या तो भोगो या तो जागो।
बुद्ध को फॉलो करो। तो मैं तो कहूंगा जागो, अब जब पता ही चल गया तो जागो। एनी डाउट? स्टार्टिंग में 10 मिनट करो, पर 1 महीने बाद 1 घंटे पे आओ। नहीं नहीं, बात औकात की नहीं है, विवेकानंद के पास औकात थी यार, बाबा रामदेव के पास औकात है, ऐसी मत कहो। अपने आप को कभी डिमोरलाइज मत किया करो, ये बात नहीं, औकात नहीं। आखिर हम क्यों जाते हैं अपने शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में? आखिर ऐसी क्या मजबूरी होती है कि हमें अपना होम टाउन छोड़ना पड़ता है? जॉब, स्टडी और प्रेपरेशन है ना? ऐसे में UPSC की प्रेपरेशन करने वालों को अब पुणे छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि इकरा IAS आ गए हैं अब अपने सदाशिव पेठ पुणे में, जहां पर UPSC के लिए है बेस्ट फैकल्टीज फ्रॉम दिल्ली, जहां ओझा सर की गाइडेंस में UPSC की बेस्ट प्रिपरेशन होती है। तो और क्या चाहिए? NCERT बेसिक्स और GS बैच के लिए, वर्किंग एस्पायरेंट्स के लिए रेगुलर और वीकेंड न्यू ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रही है 15 जुलाई से। अगर आप इकरा IAS का फ्री डेमो लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 9823256625 पर, या विजिट कर सकते हैं www.iqraias.com पर। एक बार फुल एड्रेस बता देती हूँ, इकरा IAS अबाउट नोटबुक हब, ट्रक रोड, सदाशिव पेट, पुणे।